खंडवा जिला कलेक्टर के निर्देश अनुसार जिले के सभी नगरीय क्षेत्रों में कोरोना कर्फ्यू के दौरान दुकान खोलने के लिए ढील दी है, जिसमें किराना व्यवसाय व कृषि संबंधित दुकानें खोलने के आदेश जारी किए हैं। किंतु मुंदी नगर में उन व्यापारियों ने भी अपनी दुकानें खोल रखी थी जिनकी परमिशन कलेक्टर द्वारा नहीं दी गई। इनको लेकर के आज मुंदी नगर में नायब तहसीलदार कुणाल आवासिया, ASI चेतना सिंह परिहार और उनकी टीम ने बस स्टैंड, मेन रोड और माता चौक में बिना आदेश वाली खुली दुकानों को बंद करवाया। साथ ही दुकानदारों को हिदायत भी दी, आज सिर्फ समझा रहे हैं, अगर कल से दुकानें खोली गई तो कार्यवाही की जाएगी। वहीं सुभाष चौक में कपड़ा दुकान में शटर बंद करके व्यापार किया जा रहा था। सूचना मिलते ही जब प्रशासन वहां पहुंचा तो दुकानदार शटर के अंदर ग्राहकों को भरकर अपनी दुकान चला रहा था, जिसका खामियाजा दुकानदार को भुगतना पड़े और 2500 का चालान प्रशासन से बनवाना पड़ा। वहीं जामनिया रोड स्थित जिला सहकारी बैंक में सरेआम सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही थी। बैंक के बाहर किसान अपने पैसे निकालने के लिए एक दूसरे से चिपक कर खड़े हुए थे। बैंक द्वारा ग्राहकों से शासन के निर्देशों का पालन नहीं करवाया जा रहा है। अचानक तहसीलदार कुणाल आवासिया बैंक पहुंचे और लोगों को दूर खड़े रहने का कहा। वहीं बैंक में गार्ड की व्यवस्था नहीं है, इस पर भी नायब तहसीलदार ने नाराजगी जाहिर की। वहीं बैंक वालों को कहा कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन सभी से करवाइए, अन्यथा मैं आपकी शिकायत आगे करूंगा। वहीं किसानों को अपने पैसे निकालने के लिए तड़ाके की धूप में घंटों लाइन में खड़े रहना पड़ता है। बैंक द्वारा धूप से बचने के लिए टेंट की व्यवस्था नहीं की गई है। इस तरह की बैंक द्वारा अपनी मनमर्जी चलाई जा रही है। मुंदी से शाहरुख मंसूरी की रिपोर्ट। अरे गेट के बाहर बहुत ज्यादा चिपक के सब खड़े हैं। हम बाहर थोड़ी कंट्रोल कर लेंगे, वो तो हमने आपको थाली को लिख के दिया है, तो आपको तो काम है ना, लिख के दिया है ना। आप लिख दीजिए डिस्ट्रिक्ट में, बोलिए वहां पर। अरे स्टाफ नहीं है, अपने स्टाफ इतना है, उसके बाद भी वो कंट्रोल नहीं होता। वो तो एक को बुलाओ तो चार घुसते हैं और दरवाजों को धक्का मारते हैं, इसे उपद्रव करते कुछ मत। ठीक है, ग्राउंड में क्लियर है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।